नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 15 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट बनेंगे उसको करेंगे डिटेल में डिस्कस। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट studywithgyanprakash.com या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और दोनों लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, इसलिए बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि 10 अक्टूबर को। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस में, जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होइएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो दिवस है प्रतिवर्ष 1992 से मनाया जाता है। एक सवाल और बनता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस से कि इसका जो आयोजनकर्ता संस्था है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये 1992 से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। 2020 की थीम रखी गई थी सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, तो ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को होता है उसकी थीम 2020 में क्या थी? थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान से आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें कोई भी पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा राज्य पूरे देश में पहला हर घर जल राज्य बन गया है? पहला हर घर जल राज्य बन गया है गोवा, तो ऑप्शन ए। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूरे देश में पहला राज्य है जहां पर हर घर में अब जल उपलब्ध हो गया है, तो गोवा पहला राज्य बना है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2020 को किसने खारदुंगला दर्रा जो कि लेह में है, तो ये भी एक पॉइंट है कि खारदुंगला दर्रा ये कहां पर है? इसका जवाब बनेगा लेह में। तो खारदुंगला दर्रा लेह में सबसे ऊंची स्काई डाइव लैंडिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 8 अक्टूबर 2020 को गजानंद यादव और एके तिवारी, यानी कि ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, इन दोनों लोगों ने एक स्काई डाइविंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों ये भी याद रखना कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना अपनी जो वर्षगांठ बनाती है, और 2020 में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF ने अपनी 88वीं वर्षगांठ बनाई है, और इसी अवसर पर 17,982 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि जलवायु सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो द्वारा शुरू किए गए पुरस्कार का नाम क्या है? जलवायु सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो ने जिस पुरस्कार को शुरू किया है उसको नाम दिया गया है अर्थशास्त्र पुरस्कार। ठीक है, अर्थशास्त्र, इसकी स्पेलिंग हो क्या होगी? EARTH, ठीक है, ऐसे छोटी। तो ये आप अर्थ में मतलब जो इकोनॉमिक होता है उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अर्थशास्त्र पुरस्कार जो शुरू किया गया है प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो के द्वारा जलवायु सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत 50 मिलियन पाउंड का पुरस्कार दिया जाएगा, और यह पुरस्कार किसको मिलेगा? जो लोग पर्यावरणीय समस्याओं के इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोज निकालेंगे उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो पुरस्कार का नाम है अर्थशास्त्र पुरस्कार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि किस संगठन ने नाबार्ड के साथ मिलकर कृषि संगठनों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया है? किस संगठन ने नाबार्ड के साथ मिलकर कृषि संगठनों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो ये बैंक है ऑप्शन सी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन अक्सर स्टडी जीके के अंतर्गत पूछा जाता है, जिसका जवाब है 12 जुलाई 1982। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और वर्तमान में जो MD है मैनेजिंग डायरेक्टर उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंतला। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। स्टेट बैंक के बारे में बात करें तो स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1806 में, तब इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, ये भी याद रखना आप। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय इसका है मुंबई में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेघालय सरकार ने किस देश के साथ ऊंची मूल्य की सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि COE स्थापित करने जा रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा
जिन सब्जियों के दाम काफी अच्छे होते हैं उनका अधिक से अधिक मूल्य किसानों को मिल सके और अधिक से अधिक उसकी पैदावार हो सके, इसके लिए मेघालय सरकार ने इसराइल के साथ एक समझौता किया है सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में। तो ये जरूर याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसराइल ने मेघालय सरकार के साथ ऊंची मूल्य की सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो जॉर्डन से संबंधित है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन है और इनका नाम है बिशर अल खसाउनी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही जानना है आपको, ज्यादा जानकारी आपको नहीं रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा कि जगन अन्ना विद्या कनुका योजना किस राज्य ने शुरू किया है। जगन अन्ना विद्या कनुका योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है। तो ऑब्वियस है कि ये जो नाम है जगन अन्ना विद्या कनुका योजना, देखने में लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं होगा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से कोई एक सही होगा। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल कौन है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, जगन अन्ना विद्या कनुका योजना में राज्य सरकार 650 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसमें लगभग 43 लाख स्कूल किट दिए जाएंगे कक्षा एक से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को। ठीक है, इसका नाम क्या है, जगन अन्ना विद्या कनुका योजना, और ये जो योजना है ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन होगा कि विश्व गठिया दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस, तो दोस्तों याद रखना अभी हाल ही में 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया था। अब यहां पर एक पॉइंट और भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत कब से हुई। तो सही जवाब बनेगा 1996 से, और इसे कौन मनाता है, इसे मनाता है ARI, जिसका फुल फॉर्म बनेगा अर्थराइटिस एंड रोमेटिज्म इंटरनेशनल। ठीक है, तो अर्थराइटिस एंड रोमेटिज्म इंटरनेशनल के द्वारा 1996 से ये जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिलहाल आर्थराइटिस और रूमेटिज्म के मरीज आपको लगभग लगभग हर घर में देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि फॉर ऑल द एग्जाम्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो विकल्प हैं दोस्तों उसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पॉल मिलग्रोम। लेकिन ये जो पुरस्कार है वो 2 लोगों को दिया गया है और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है रॉबर्ट बी विल्सन। तो ध्यान दीजिएगा कि पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र का 2020 के लिए। ठीक है, और इन्हें क्यों दिया गया है, तो इन दोनों लोगों को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जा रहा है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो नोबेल पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत हुई थी 1901 में, लेकिन अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार होता है इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से। तो ये बात भी आप याद रखना। और अब तक जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार हैं वो 51 बार दिए गए हैं। कितनी बार, 51 बार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निर्भय किस श्रेणी के मिसाइलों से संबंधित है। निर्भय किस श्रेणी के मिसाइलों से संबंधित है, सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि क्रूज मिसाइल। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि क्रूज मिसाइल आखिर होती क्या है, तो आपको बता दें कि क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होती है जो कि स्थलीय लक्ष्य को भेदने में सक्षम होती है। अब ये जो मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय, इसकी जो गति है वो ध्वनि से कम है, तो इसे जो है सबसोनिक सुपर क्रूज मिसाइल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल की संज्ञा इसे दी गई है। यह 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। तो ये जरूर याद रखना आप कि ये जो क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय, ये एक सबसोनिक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से कम रफ्तार से चलने वाली मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फेलुदा पेपर स्ट्रिप टेस्ट द्वारा किस बीमारी की जांच संभव है। फेलुदा पेपर स्ट्रिप टेस्ट द्वारा किस बीमारी की जांच संभव है। तो दोस्तों ये जो पेपर होता है इसके द्वारा COVID-19 की जांच आप कर सकते हैं। इसकी कीमत बहुत कम है, लगभग 500 रुपए में ही आपको जो है ये जो पेपर है मिल जाता है और लगभग 45 मिनट में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। फेलुदा जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म बनेगा FNCAS 9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिक्टेशन एसे। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप इसका फुल फॉर्म। हाल ही में जारी किया गया ₹100 का सिक्का किस व्यक्तित्व को याद करता है, यानी कि किस व्यक्तित्व के सम्मान में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ₹100 का सिक्का जो है वो जारी किया गया। सही जवाब इसका विजयाराजे सिंधिया। विजयाराजे सिंधिया जिनको जो है भाजपा के संस्थापक मंडल में माना जाता है।
तो उनकी याद में ये जो सिक्का है वो जारी किया गया है। तो इसे जो है अभी हाल ही में यानी कि 12 अक्टूबर को जारी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, किस संगठन ने ए नेग्लेक्टेड ट्रेजडी द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिल बर्थ ये रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है WHO और यूनिसेफ दोनों के द्वारा, यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ए नेग्लेक्टेड ट्रेजडी द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिल बर्थ संयुक्त रूप से यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी कि DESA और विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में मरुमड़ी शब्द चर्चा में रहा, ये शब्द आपने सुना था मरुमड़ी, आपको बताना है कि हाल ही में मरुमड़ी शब्द जो कि चर्चा में रहा उसका संबंध किससे है। यह एक महोत्सव है, राजस्थानी कला को पुनर्जीवित करने का सोशल मीडिया अभियान है। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अभियान के तहत जोधपुर जिले के मोकलवास गांव से अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं और संस्कृति की रक्षा के लिए कई आभासी यानी कि वर्चुअल जो प्रोग्राम थे वो आयोजित किए गए थे और इसको नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, मरुमड़ी। मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान से, मड़ी एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु होती है, तो इसलिए इसको जो है मरुमड़ी शब्द कहा गया है। और फिलहाल ये राजस्थानी कला को पुनर्जीवित करने का एक सोशल मीडिया अभियान है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के बेस्ट करंट अफेयर्स, उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। छोटी सी क्लास होगी प्रतिदिन रोज सुबह 5 बजे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी और आपका जो ज्ञानवर्धन होगा बहुत अधिक होगा। साथ ही साथ आने वाली कोई भी परीक्षा हो उसमें आप इस बार सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।